गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी साध संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत अशोक दबास अंकल जी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग करेंगे। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक अंकल। जय गुरु जी, ओवर टू यू अंकल, संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी अंकल, संगत शेयरिंग करें अंकल। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का लाख लाख शुक्राना कि आज उन्होंने अवसर दिया मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। सारी जुड़ी हुई संगत को मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं गुरु जी महाराज से 2006 में गुरुजी गुड़गांव आए थे, तब पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए थे और उसके बाद हम धीरे धीरे सुल्तान एम्पायर स्टेट जो सुल्तानपुर में है वहाँ पे जाना शुरू हुए। और अच्छा लगता था, चाय प्रसाद मिलता था, लंगर मिलता था, सोचते थे चलो ठीक है पूरा परिवार आ गया, जाके खाना नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे जाते गए पता लगा कि जो हम लंगर और चाय प्रसाद ले रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, उसकी कितनी महत्ता है। गुरु जी सबसे पहले हमारे को अपनी संगत को यही कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी संगत निरोग रहे, किसी को कोई बीमारी ना हो, और इस लंगर प्रसाद से और चाय प्रसाद से सारी की सारी बीमारियां कट जाती हैं। इसलिए लंगर प्रसाद पूरा का पूरा ग्रहण करना चाहिए, उसका कण कण खाना चाहिए। चाय प्रसाद भी गुरु जी कहते थे इससे भी मैं आपकी बीमारियां काटता हूँ और ये भी पूरा पीना चाहिए। तो गुरु जी महाराज का बड़ा औरा था, बैठते थे तो हम गर्दन नीचे करके ही बैठते थे। जब भी गुरु जी की तरफ देखते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे गुरु जी हमारी ही तरफ देख रहे हैं। आप चाहे किसी भी कोने में बैठे हो लेकिन जैसे ही गुरु जी की तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि गुरु जी आपको देख रहे हैं। और गुरु जी के चेहरे में इतना औरा था कि हम 1 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा उनकी तरफ देख नहीं पाते थे। गुरुजी से कभी बात तो नहीं हो पाई लेकिन परिवार पूरा खुशहाल रहा, कभी कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी प्रकार की। और गुरुजी ने एक दो बार अपनी फ्रेगनेंस, जो गुलाब के फूल की उनकी पर्टिकुलर फ्रेगनेंस होती थी, वो फ्रेगनेंस भी महसूस कराई। हम जब बड़े मंदिर जाते थे गुड़गांव से तो रास्ते में 10 से 15 मिनट तक गुरु जी के गुलाब के फूल की फ्रेगनेंस महसूस करते थे और वो फिर अपने आप ही 10-15 मिनट के बाद गायब हो जाती थी। कई बार ऐसा हुआ कि हमारे जो गाड़ी का आगे विंड स्क्रीन है उसके पर अपने आप ही ओम दिखाई देना शुरू हो जाता था और कुछ दूर तक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक वो ओम दिखाई देता रहता था और उसके बाद अपने आप ही डिसअपियर हो जाता था। मेरी आंटी को जब सीजन चेंज होता तो काफ़ी एलर्जी होती थी रनिंग नोज की, लेकिन जैसे ही गुरुजी के मंदिर जाने का जिक्र हुआ कि चलो मंदिर चलते हैं, वो बिल्कुल रनिंग नोज बंद। वहाँ पे जितनी देर हम बैठे 2 घंटे 1.5 घंटे तब काफ़ी देर बैठने को मिलता था, तो आंटी बिल्कुल ठीक रहती थी। चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद किया, घर आ गए तो 2-3 दिन तक वो बिल्कुल सही रहती थी। उसके बाद
फिर जैसे ही हवा वगैरह चली, पोलन आ गए, तो उससे हो जाता था उनको। लेकिन मंदिर का नाम जैसे आया, बिल्कुल सही एकदम। और एक बार आंटी को एडी में काफी दर्द रहता था, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया कि भी इनकी तो हड्डी बढ़ गई है, तो आप डॉक्टर कॉल की शूज पहनो, उससे आपको आराम मिलेगा, बाकी इसका इलाज कोई नहीं है, ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन के लिए हम जाना नहीं चाहते थे। तो तब बड़े मंदिर में सेवा करने का मौका मिलता था, आंटियां जाती थी मिलके, साफ सफाई करती थी वहाँ पे, पूरा जो ड्राइववे है मंदिर के बाहर, सामने शिव मूर्ति के पास जो एरिया है, अंदर भी कई बार मिल जाता था। तो एक दिन सफाई करके और सामान वगैरह लौटा के घर चलने के लिए चले वहाँ से, तो ड्राइववे में ही कोई एक छोटा कोयले टाइप का आंटी के पैर में चुभा और काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ। वो बिल्कुल जहाँ पे दर्द था उनको वहीं पे चुभा, आंटी वहीं बैठ गई और काफ़ी चीख निकल गई। गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये क्या किया, हमने तो अभी तक सेवा करी और ये पत्थर कहाँ से आ गया और कैसे चुभ गया। फिर थोड़ी देर में जब थोड़ा आराम मिला तो उठ के चली और देखा कि वो मंदिर के बाहर आते आते वो दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। वो दिन है और आज का दिन है, वो एडी में दर्द है ही नहीं। तो गुरु जी ने और एक दो बार ऐसा दिखाया कि हाँ मैं हूँ आपका केयर करने के लिए, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार हम मंदिर गए, मंत्र जाप शुरू हुआ था, मैंने मत्था टेका तो मैं पीछे आ गया, जगह आगे नहीं थी, लेकिन एक सेवादार ने आंटी को बोला आंटी यहीं बैठ जाओ, जहाँ पे अभी नंदी रखी रहती हैं, नंदी बैठी है वहीं पे। आंटी जी बैठ गई, जैसे आंटी ने आंखें बंद करी तो आंटी को एक ऐसे दिखाई दिया कि गुल्लक रूम की तरफ से कोई संगत आ रही है और एक बड़ी सी प्लेट उनके हाथ में है, उसमें गुरुजी की ब्लैक कलर की जूती रखी हुई है। वो संगत आके गुरुजी की आसन के सामने जूतियाँ रख देती हैं और वहीं बैठ जाती हैं। आंटी ने देखा कि गुरुजी ने वो जूतियाँ पहन ली, तो उसके मंत्र जाप के ख़त्म होते के साथ जैसे आँख खुली, रियली में प्रैक्टिकली गुल्लक रूम से एक संगत आ रही है और वो जो आंटी ने पहले देख लिया वही का वही सीन रिक्रिएट हुआ कि कोई प्लेट में ये जूतियां ब्लैक कलर की रख के ला रही है और गुरुजी के आसन के सामने रखी, वहीं बैठ के फिर जब उठ के वापिस चले गए तो आंटी को इतनी देर में पसीना आ गया कि ये तो मेरे को गुरुजी ने मंत्र जाप के दौरान दिखा दिया और ये चीज़ तो अब हो रही है। बाद में पता लगा कि कोई संगत यूएस में अपना गुरुजी का दरबार बना रही थी, वहां पे जूतियां उन्होंने रखनी थी, तो इंडिया कोई आया था उनका दोस्त, उनको बोला था कि भी आप ग्रेटर कैलाश से गुरुजी के लिए लाल कलर की जूतियां लेना, लेकिन उस संगत को सुनाई दिया ब्लैक कलर की जूती। तो गुरुजी ने दिखा दिया कि ब्लैक कलर की जूती ही मेरे को चाहिए थी और वो मैंने पहन के ब्लेस कर दी। तो वो संगत बड़ी खुश हुई और जो यूएस में जिसने मंगाया था उससे भी आंटी की बात कराई कि वे ऐसे ऐसे आपकी जो गुरुजी ने जूतियां ब्लेस कर दी हैं पहन के। तो गुरुजी ने मतलब किसी न किसी संगत के थ्रू ये मैसेज दे दिया कि जो काम आप करना चाहते थे वो काम आपका हो गया। तो ऐसे जब हम सत्संग शेयर करते हैं, सत्संग में भी किसी न किसी का कोई न कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसका सॉल्यूशन संगत के थ्रू ही गुरुजी भिजवा देते हैं। ये दो तीन छोटे छोटे शेयर सत्संग थे जो मैंने शेयर किए, और भी कई सारे हैं, बट उसमें शायद समय काफी लग जाएगा, तो मैं यही अपना बंद करता हूँ सत्संग। और जय गुरु जय गुरु जी, जी महाराज, सारे जय गुरु गुरु जी। जी महाराज का शुक्राना कि मौका दिया सत्संग करने का, और सारी संगत को मेरा फिर से सप्रेम नमस्कार। जय गुरु जी। मैं राजबाला आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू सांगवान आंटी।
सांगवान आंटी जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जय गुरु जी। अंकल 1 मिनट वेट करना, अभी वो सांगवान आंटी आ रही हैं, आपसे बात करेंगी। अच्छा अंकल, जय गुरु। जय गुरु जी। सांगवान अंकल प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी अंकल। हेलो। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। अंकल गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आयु जो संगत जितना परिवार है, गुरु जी परिवार संगत बहुत धन्यवाद। मैं अशोक डवास का भी जो मैंने अभी सुना सत्संग बहुत अच्छा लगा। और हम इकट्ठे गुड़गांव में JBT में रहते थे, तब से हमारी उनसे अच्छी जान पहचान है। और जो गुरु जी के चरणों में जैसे अशोक डबास थे, वैसे हम भी इकट्ठे जाते थे, इकट्ठे आते थे और एक ही सोसाइटी में रहते थे। ये सब गुरु जी कृपा थी जो हम एक साथ दोनों जुड़े थे, हम हमारा परिवार और इनका परिवार। और ये चीजें बहुत मायने रखते थे। लो थोड़ी आंटी बताएंगे अशोक डबास के बारे में, बोल रहे। जय गुरु जी अंकल, संगत जी, जी जी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आपने आज हमें फिर सौभाग्य दिया ये सत्संग सुनाने का। मेरा वो चल नहीं रहा था फोन अंकल, मैं बहुत कोशिश की मैंने, तो चलो आज आपने फिर मौका दिया, तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ गुरु जी की। क्या क्या गुरु जी के हमारे साथ, क्या क्या गुरु जी ने ब्लेस किया हमें, कैसे कैसे किया। एक बार हम जा रहे थे हरिद्वार, तो वहां जब ये कुंभ का स्नान होता है, 2009 में, 9 की बात है ये, अप्रैल की। और हम जा रहे थे तो अंकल, जैसे JVT से, जलवायु टावर से बहुत लेडीज गई थी। मैंने अंकल को बोला मेरा भी ऐसे हरिद्वार जाने को मन कर रहा है। फिर अंकल बोले चलो तेरा मन कर रहा है तो जरूर नला के लाएंगे, चलेंगे जरूर। मैं एक तरह से डर भी रही थी। मैंने कहा भीड़ बहुत होती है कुंभ के स्नान में, सो देखा था कि फिल्मों में ऐसे गुम हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। तो फिर बोले नहीं नहीं चलेंगे, कोई बात नहीं, आपने मन बना लिया तो चलेंगे। हम अंकल चले गए, जैसे यहाँ से चले हम JVT से, तो उधर हमारी बेटी भी हमने साथ ले ली, अपनी बेटी को, बिटिया भी हमारी वहीं रहती थी गुड़गावा, दामाद उनका बेटा था छोटा 2-3 साल का। और हम चल पड़े अपनी गाड़ी लेके चल पड़े। तो अंकल ऐसे वो हम जा रहे थे तो रास्ते में हम डर भी रहे थे। फिर वैसे हम गुरु जी के नाम लेके ही चलते हैं, घर से चलते हैं, गुरु जी हमारे संग संगे होते हैं, कोई कष्ट तो आया नहीं आज तक। लेकिन हम फिर भी डर रहे थे, वही पता नहीं, वहां बोल रहे थे कि 10-12 किलोमीटर दूर गाड़ी रुकवा लेंगे खेतों में, और आगे ऑटो में जाना पड़ेगा, और ना कोई होटल मिलेगा, कुछ नहीं। हमारा आश्रम में वो था रहने का बंदोबस्त, आश्रम में था ऋषिकेश में। वो अंकल के एक कलीग थे, वो बोले उनके नाना जी ने आश्रम बना रखा था, बोले सांगवान अंकल के ऑफिस के, उन्होंने बोला कि कपिल अंकल थे वो, बोले अंकल ऐसे करो आप कभी आश्रम में मौका दो वहां रुकने का कभी,
उनके मामा जी नहीं थे, उनके नाना जी ने वो आश्रम बना रखा था। हमने कहा अम्मा चलो इस बार जाएंगे तो वहाँ कपिल के आश्रम में रुकेंगे और वहाँ कुछ डोनेशन भी दे आएंगे, क्योंकि वो स्कूल भी चला रहे थे आश्रम में। मैं कहा होटल में रुकने से अच्छा चलो ऐसी जगह रुकेंगे, आश्रम में रुकेंगे हम। तो उधर हम चले अंकल, तो रास्ते में क्या था कि एक रेस्टोरेंट में खाना खाने लगे, तो उधर भी गाड़ी हमारे आगे आगे साथ साथ गाड़ी थी, एक गाड़ी थी, डीएसपी था, एसपी था, शायद वो पुलिस का था, उसके उनकी गाड़ी रुकी, तो मैं उनके फादर बैठे थे गाड़ी में। मैं उनसे कहने लगी, मगा ये आपकी गाड़ी जाएगी, मैं पुलिस वालों को शायद नहीं रुकवाएंगे, आगे रुकवा लेते हैं, बोल रहे थे लोग ऐसे गाड़ी को रुकवा लेते हैं, हरिद्वार आगे जाने नहीं देते। तो हमने बोला उस उनके फादर को, मैंने बोला कि अंकल ऐसे ऐसे आपकी गाड़ी के साथ साथ हम गाड़ी लगा ले चला लें अपनी और आपके साथ साथ निकल जाएगी हमारी भी। बोले नहीं नहीं वो बोले वो तो अपने बेटे से डर रहा था, वो बोले मुझे नहीं पता, ये मेरा बेटा आप उनसे पूछ लो। तो मैंने उनके बेटे से पूछा, तो अंकल बोले मैं तो पूछूंगा नहीं, आप पूछ लो। मैं चलो मैं पूछते हूँ, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने झूठ बोल दिया। मैं बोले नहीं हम हरिद्वार नहीं जाएंगे, हम तो रास्ते में ही जा रहे हैं। मैं चलो भाई कोई नहीं, चले पड़े अंकल। वहां से हम गाड़ी में निकले तो उनकी गाड़ी तो वहां रुकवा ली और हम एकदम से हमारी गाड़ी सीधी चली गई, उनसे कुछ पूछताछ करने लगे। तो ये सब गुरुजी महाराज की कृपा थी, जो हमारे साथ साथ गुरुजी चल रहे थे। फिर वहां जाके अंकल, तो हम वहां बैठे तो संगत जी, हम वहां वहां उतरे तो कहने लगे कि आगे तो रास्ते बंद है, कहीं जाने नहीं देंगे। हम वहां से ऑटो लेके नहा के आ गए वापिस। वापिस आ रहे थे रास्ते में संगत जी, तो रास्ते में पुलिस वाले खड़े थे वो वहां। तो अंकल ने पूछा, सांगवान अंकल ने गेट पे पूछा, उस गेट पे वहां, कि हमें ऋषिकेश जाने दोगे? वो पुलिस वाले खड़े थे, वो भी पुलिस का डीएसपी वगैरह ही था कोई, तो उसके भी फूल वूल लगे थे ऐसे था। तो अंकल को कहने लगे, अंकल आपकी गाड़ी है? हाँ हाँ जाने देंगे। हम आगे आगे थे, बच्चे राम अंकल पीछे पूछने लगे। ये अंकल सांगवान अंकल कहने लगे कि गाड़ी को जाने देंगे? मैंने कहा नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ से इन्होंने सब रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं, बोल रहे हैं किसी को नहीं जाने देंगे आगे, यहीं से बस ना आके वापस जाओ। तो मेरे अंकल मेरे को विश्वास नहीं हुआ, संगत जी मैं वापस गई, मैं पुलिस वाले से उससे पूछ के आई। मैं बोली कि मुझे हमें जाने दोगे आप ऋषिकेश, हमें आश्रम में जाना? बोले हाँ, अम्मा हाँ, ऐसे बोले वो। तो बस मैं तो सोच रही थी पता नहीं क्या गुरुजी हैं हमारे साथ साथ। तो हमारी गाड़ी एक, आप संगत जी मानोगे नहीं, एक हमारी गाड़ी थी सिर्फ वहां से निकली जो, और सीधे रास्ते पता नहीं पहाड़ी के रास्ते से, वो रास्ते से हम कभी नहीं गए थे पहले ऋषिकेश, ऊपर से कहाँ से निकाली उन्होंने वो गाड़ी, हमारी सीधा रास्ता, ना आगे कोई गाड़ी ना पीछे कोई गाड़ी। 9 साढ़े 9 बज गए, आश्रम से फोन आता है, आप कहाँ पे हो? सांगवान जी बोले बोले रास्ते में। बोले आप कैसे आ रहे हो, रास्ते तो सारे बंद हैं। तो सांगवान जी बोले हमें नहीं पता हम कैसे आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। तो बस आ गए, तो वो तो सब हमारा से तैयार कर रखा था उन्होंने, खाना वाना सब हमारे कमरे वमरे साफ सुथरे करके, कूलर में पानी वानी भर रखा था, थके हुए थे, जाके खाना खा के सो गए संगत जी। तो ये गुरु जी थे हमारे साथ साथ, आप देखो गुरु जी ने कहीं भी तंग नहीं होने दिया हमें, नहीं तो सोच रहे थे अब वहां मच्छरों में छोटा बच्चा है बेटी का, यहाँ तो कहीं जाने नहीं देंगे, अब होटल में भी नहीं निकलने दे रहे, उधर से जाने ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि होटल सारे बंद ब्लॉक पड़े थे, सारे पहले ही बुक हो चुके थे। अब हम सोच रहे थे हम मच्छरों में कैसे रात काटेंगे, या तो वापस ही ना के रात को ही घर चले। तो और हमारा आगे जाने का इरादा था, अंकल बेटी को इसीलिए लेके गए थे कि चलो वहाँ आगे तक घूम के आएंगे, मसूरी जाएंगे और आगे मका नीलकंठ जाएंगे। मैं बोली पहले एक बार नीलकंठ, हम फिर संगत जी हम पहुंच गए आश्रम में, वहां पहुंच गए सो गए। सुबह उठ के वो आखिरी स्नान था 13 बैसाखी का, 13 अप्रैल का, वो हम वहां उठ के ऋषिकेश, तो हम नहाए वहां उठ के, नहाने चले गए, नहा के बच्चे तो फिर खा पी के और बच्चे आराम करने लगे, वो छोटा बेबी था 2 2.5 साल का। हम बोले चलो हम ऋषिकेश घूमने चलते हैं फिर शाम को, फिर दोपहर को तो हमने भी रेस्ट किया।
फिर हम 3-4 बजे घूमने निकल गए, बच्चों को बोला चलोगे, बच्चे बोले नहीं मम्मी हम नहीं चलेंगे, ये तंग कर लेगा गोदी में। तो हमने कहा तुम आराम करो, चलो हम घूमने चलते हैं। हम वहां से चलो घूमते घूमते चले गए लक्ष्मण झूला वगैरह, उधर जाते तो पहले भी थे लेकिन हमारी इच्छा थी चलो घूम के आएंगे, वहां चलेंगे आरती वारती देखेंगे, शिव की, शिव जी की आरती होती है वहां। तो संगत जी आप देखो वहां पहुंच गए हम, जो ही हम पहुंचे वहां बैठ गए हम सीढ़ियों पे, वहां शिव जी की आरती हो रही थी, शुरू करने वाले थे वो लोग। तो सांगवान जी बोले तेरा आरती करने को मन कर रहा है? मैं बोली आरती करने को मन तो कर रहा है लेकिन ये करने नहीं देंगे, ये जो गीता आश्रम के मेंबर है ना ये आरती वही लोग करते हैं। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, वो सांगवान जी बोले पता नहीं गुरु जी साथ साथ थे, गुरु जी मेरे मन को, हमारे मन के अंदर की बात जानते हैं, ये क्या चाहते हैं क्या करना चाहते हैं। तो सांगवान अंकल बोले तुम इधर से सीढ़ियों से ऊपर जाके आरती कर रहे थे गंगा में, और हम उधर से, लेडीज उधर से चढ़ रही थी, जेंट्स लोग दूसरी साइड से। ये बोले मैं इन जेंट्स के साथ चढ़ जाता हूँ ऊपर, आप उधर से लेडीज के साथ चले जाओ। तो संगत जी हमने आरती की वहां, हमने शिव जी की आरती की, ये सब गुरु जी की मेहर थी के शिव जी की आरती वहां हमें मिली करने को, ये सब गुरु जी की मेहर थी। फिर एक बार नीलकंठ, मेरी बेटी बड़ी थी, मैं जब गई थी अपने पेरेंट्स के साथ तो बहुत छोटी थी मेरी बेटी संगत जी, 6 महीने की थी वो, मैं पीछे बांध बांध के पहाड़ चढ़ चढ़ के नीलकंठ पहुंचे थे, जब उस टाइम ऐसा रास्ता था। हमारे गांव की सभी लेडीज गई थी, तो मैं भी मम्मी के घर गई हुई थी उस समय, मैं भी मम्मी के साथ गई थी, माँ चलो चलते हैं। तो अब मैंने सुना कि रास्ता बन गया, रोड बन गया, मैं बोली चलो पूनम अपनी बेटी को बोला चलो नीलकंठ भी चलेंगे दर्शन करने, बेटी बोली हाँ हाँ आए हैं गाड़ी का रास्ता है तो चलेंगे, दामाद भी बोला चलेंगे। और संगत जी आप मानोगे नहीं, हम फिर नीलकंठ के नेक्स्ट डे हम नीलकंठ के लिए निकल गए, हम नीलकंठ के दर्शन करके आ गए इतने आसानी से, इतने आराम से, ना कोई लाइन ना भीड़ कुछ नहीं, सब गुरु जी की मेहर थी। और जो ही हम दर्शन करके आए बाहर, हम निकले, हमारी गाड़ी निकलते ही वहां जैसे वहां देखा तो 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई, मतलब इतना रश हो गया क्या बताएं हम। हम बोले पूनम बेटी बोली मम्मी हम तो बड़े अच्छे आ गए टाइम से, मगर गुरु जी साथ साथ है, तुम चिंता ना करो, हम जहाँ जाते हैं पता है ना तुम्हें कहीं भी तंग नहीं होते। तो ये सब गुरु जी की मेहर है, बहुत मेहर है गुरु जी की। ऐसे आ गए हम वापस, फिर हम वहां गए घूमने के लिए, बेटी बोली चलो मम्मी अब आगे पापा, इनके पापा को शौक है सांगवान जी को घूमने का बहुत शौक है, बोलते हैं चलो वहां चलेंगे आगे मसूरी वगैरह चलेंगे, बच्चों को लेके हम चल पड़े रास्ते में, देहरादून होते हुए मसूरी चले गए, रास्ते में शहस्त्र धारा थी वहां भी हम नहाए और हम पहुंच गए मसूरी, मसूरी रुके वहां घूमे फिरे। नेक्स्ट डे फिर कहने लगे मेरे भाई का फोन आता है, बोलते तुम धनोल्टी जाओ वहां मौसम देखने का है, यहाँ मसूरी में तो कुछ खास नहीं है, वो इतना ज्यादा ठंडा नहीं है, आगे जाओ मौसम देखना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे मौसम तो देख ही रखे थे संगत जी, पहले हम लोग तो सिलीगुड़ी थे, सांगवान जी की पोस्टिंग थी वहां भी गए हुए थे, दार्जिलिंग भी घूम रखा था, लेकिन फिर अपनी जगह का अलग अलग वो होता है, चलो भाई यहाँ आए हैं तो ये भी यहाँ भी घूमने चलते हैं। सांगवान जी बोले चलो चलते हैं, हम धनोल्टी पहुंच गए संगत जी, वहां गए तो इन्होंने ध्यान दिया नहीं सांगवान जी ने कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है वहां जाके पेट्रोल देखा, पेट्रोल खत्म गाड़ी में, वहां कोई पेट्रोल पंप नहीं संगत जी। फिर अंकल बोले तुम यहाँ नाश्ता पानी करो खाना खाओ उधर, हमने पूछा जाके वही एक ढाबे में बना रहा था वो देसी घी के परांठे, दही वही अचार है वही, हाँ क्योंकि हम तो लोग देसी खाना ही खाते हैं। तो बस फिर हम बोले तुम बैठो ऑर्डर दो मैं आता हूँ पूछ के, सांगवान जी बोले। एक बंदा सांगवान जी के सामने आ गया, बोला आपको पेट्रोल चाहिए, एक लड़का बोलते हाँ हाँ उसको क्या मालूम, वो गुरु जी, गुरु जी कहने का ही बंदा था, गुरु जी थे उस रूप में साक्षात, हम तो ये सोचते हैं कि गुरु जी आए, बोले आपको पेट्रोल चाहिए, मेरे पास 5 लीटर रखा है, ये इधर ये मेरी दुकान है ले जाओ। सांगवान जी बोले नहीं आप 3 लीटर ही दो हमें, दो और किसी के काम आ जाएगा, हमें 3 ही दो, अब ये ढलान है जाते समय हम जाके ले लेंगे फिर पेट्रोल। तो
तो संगत जी, गुरु जी की तो जी उसने पैसे भी नहीं लिए। देखो वहां ये सांगवान जी पैसे देने लगे, भाई पैसे लो, ऐसे नहीं बोले, नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, ये आपके लिए था ये पेट्रोल, मैं नहीं लूंगा पैसे। देखो ये करिश्मे तो गुरु जी कर सकते हैं ना, और तो कोई नहीं कर सकता ऐसे आज के कलयुग में। तो ऐसे तो हम पहुंच गए, फिर ऐसे ही संगत जी, ऐसे ही हम पहुंच गए। संगत जी अब थोड़ा, अब सत्संग थोड़ा सांगवान अंकल करेंगे, ये अपने एक्सपीरियंस सुनाएंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं एक दो बातें अपना अपने जो ब्लेसिंग से पहले बताना चाहता हूँ कि हम जब गुड़गांव थे तो वहां तो बहुत गुरु जी का बड़े मंदिर बहुत नजदीक था, वीकली जाते रहते थे। फिर कमांडर शर्मा भी सत्संग कराते रहते थे, वहां भी अटेंड करते रहते। उसके बाद हम 2013 में, 2009 की बात बताते हैं, एक ब्लेसिंग हमारे 2011 की बात है। हाँ, हमारे ग्रैंडसन हुआ था, बेटी बहू बोली कि नहीं हम तो रोहतक डिग्री करें, उसका विश्वास था रोहतक का। चलो भाई, वहाँ के पेरेंट्स रहते थे, चलो। तो जब डिलीवरी हुई तो हम पहुंच गए वहाँ, लड़का हुआ। और उसके बाद हम बच्चे को ब्लेसिंग दे के वापिस आ गए। 4-5 दिन के बाद पता तो उसको तो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, उन्होंने पीजीआई में एडमिट करा दिया हमें। सुबह सुबह 5 बजे टेलीफोन किया, हम सुबह सुबह घूमते थे जेबीटी में, तो बोले कि बच्चे को तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है। हम वहीं से गाड़ी लेके चल पड़े वहाँ पीजीआई पहुंचे, तो 2-3 दिन हम भी रुके। उनको, उस बच्चे को 3 टाइम वो इंजेक्शन देते थे, सुबह दोपहर शाम। तो बहू बोली कि नहीं, मेरा दिल नहीं ठुकता, डैडी यहाँ से ले चलो। मैं, चलो भाई, हमने डिस्चार्ज दिया। डॉक्टर बोला अपनी अपनी मर्जी से ले जाओ जी रिस्क पे और साइन करो कि मैं अब बच्चे को अपने रिस्क पे ले जा रहा हूँ। तो मेरी आंटी भी, मेरी डॉटर इन लॉ भी, दोनों बोले नहीं, चलो चलो। मैंने साइन कर दिया, हम चल पड़े। हमने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली थी गुड़गांव में, तो हम वहां पहुंचे करीब शाम को 6 बजे। 6 बजे पहुंचे तो डॉक्टर के पास पहुंचे, तो डॉक्टर ने पेपर वेपर देखे तो बोला लड़के बच्चे की तो तबीयत तो बहुत खराब है, आप क्यों लाए? और इतनी अच्छी उनको ट्रीटमेंट दे रहे थे, ये इंजेक्शन दे रहे थे। तो बोला मैं तो अब ट्रीटमेंट करूंगा नहीं, बच्चा तो सीरियस है। अब ऐसा होता है कभी कभी, क्या होता है कि मान लिया आपने कुछ कह दिया और फिर लेडीज ने कहा तो लेडीज जेंट्स पे डाल देती है, क्यों लाए, हमने कब मना किया था। तो मैं बोला कोई बात नहीं। और एक सेक्टर 55 में एक लेडीज डॉक्टर बैठती थी शाम को, चाइल्ड स्पेशल। हम वहां गए तो वो बोले नहीं, वो तो शाम को तो नहीं आती, सुबह सुबह आती है। डीलर फेस टू में बैठता हूँ, उनका हॉस्पिटल है वहाँ। तो वहाँ हम, वहाँ से जब उससे बात हुई रिसेप्शन से, फिर उसने डॉक्टर से बात कराया, भैया से बात है। उस टाइम में 8:10-15 मिनट होंगे, वो बोली मैं 8:30 तक बैठती हूँ, अगर आप 8:25 पे आप शाम को 8:25 पे पहुँच जाएंगे तो मैं देख लूंगी, नहीं तो मैं नहीं देखूँ, मैं घर का एड्रेस बोला, घर पे मैं नहीं देखती। तो ये देखो कि उस टाइम तो ये बाईपास ये बना नहीं था अंडरग्राउंड। तो हम वहाँ से सेक्टर 55 से लेके डीएलएफ फेज 2 तक पता नहीं 7-5-6 मिनट में कैसे पहुंचे, ये तो गुरुजी जानते हैं। और जैसे वहां पहुंचे तो उसने सीधा बोला डॉक्टर ने इनको अंदर भेज दो। हम अंदर गए, उसने बच्चे को देखा, चेकअप किया और बोला ले जाओ इसको। बोले ठीक है, कुछ नहीं, मैं इसको 3 इंजेक्शन लगते हैं, तो ये मेरी गारंटी होली, और सुबह इसको ले आना, इसका ब्लड टेस्ट कर देंगे। सब ये गुरुजी की थी मेहरबानी। तो हम वापिस आ गए, सुबह गए, उसने वो ब्लड लिया, ब्लड लेके बोला आप जाओ 2 बजे, मैं आपको ब्लड रिपोर्ट दे दूंगा, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं आपको टेलीफोन पे बता दूंगी, बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो उसने फिर 2 बजे टेलीफोन किया डॉक्टर ने, बोले आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है और ये कोई बीमारी नहीं है, इसको 6 महीने तक कोई भी टेबलेट नहीं देना, ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग थी। उसके बाद हम 2013 में रोहतक शिफ्ट हो गए, बेटे को मान्यवर के शोरूम फ्रेंचाइजी मिल गई। हम वहां गए तो 3 साल तक, हमें 2.5-3 साल तक कोई सत्संग नहीं मिला वहाँ, बस सिर्फ बड़े मंदिर आना या कभी कभी गुड़गांव में जो सत्संग होते थे उसको अटेंड करना, ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग थी। तो 2016 में जब हमने पता लगा कि भाई यहाँ एक दो बंदा है, क्योंकि आंटी ज्यादा सक्रिय थी लेडीज वगैरह में इनमें, तो उन्होंने किसी ने बताया कि जैसे आपका गुरु जी की व्याख्या करते वैसे हुई। तो उसके बाद हमने 2016 में वहां शुरू कर दिया सत्संग, 5-7 मिल के करने लगे तो अब
तो वहां तो हजारों में इतनी जल्दी 2016 में वहां पहला सत्संग मंथली हमारे गुरुजी ने हमारे घर में कराया। और उसके बाद तो पूछो मत कितनी संगत होगी, कितनी होगी, बस पूछो ही मत, सब गुरुजी की ब्लेसिंग की होगी। तो उसके बाद एक बार मैं बीमार हो गया और पता नहीं चलते चलते अनबैलेंस हो जाता था, गिरा गिरा चक्राए। तीन चार डॉक्टरों से वहां रोपिंग मेडिसिन भी ली, 4 हफ्ते हो गए, एक हफ्ते एक से लिया, एक हफ्ते कोई कोई भी रिलीफ नहीं मिला। मत चलो यार गुड़गांव चलते, हम गुड़गांव गए। गुड़गांव गए तो हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, डॉक्टर ने एमआरआई लिख दी। जब मैं एमआरआई के लिए गया तो एमआरआई में जब उन्होंने लिटाया तो मैंने जैसे नॉर्मली हम सभी जैसे गुरु परिवार याद करता है भी, चलो गुरुजी हमारे साथ है, तो मैंने जैसे लेटा तो मैं बोला जय गुरुजी, और बिल्कुल 100% गुरुजी साथ साथ सामने दिखाई दिए और सामने हाथ खड़ा कर रखा, चिंता मत कर। 25 मिनट तक संगत जी मेरी 25 मिनट तक MRI और गुरुजी को मैंने ऐसे आंखों में सामने देख रहे थे कि ऐसे खड़े। मैंने सोचा अब तो कोई बीमारी निकलेगी नहीं, तो चलो MRI हो गई, अगले दिन रिपोर्ट मिल गई। रिपोर्ट लेके हम जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला आपको तो कोई बीमारी है ही नहीं, तो ये कौन करिश्मा कर सकता है, ये हमारे गुरु जी कर सकते हैं। सिर्फ गुरु जी पे, मैं संगत जी एक बात बताता हूँ, सिर्फ एक विश्वास रखो 100% बस, और 100% तो हम भी हमारे में भी नहीं होगी शायद, शायद बहुत कम परिवार होंगे, बहुत कम संगत होगी। कोशिश करो, हम सब ने कोशिश करनी चाहिए, हम 100% गुरु जी पे विश्वास करें और फिर गुरु जी की ब्लेसिंग देखो। तो मैं तो किसी में मैं तो शुरू शुरू में तो जब तक मैं सर्विस में था मैं नहीं करता था, मैं एक ही चीज रखा था, इंसान इंसान के काम आता है। मेरी जो टेबल थी वो सब पब्लिक डीलिंग टेबल थी, मैं ये चाहता था जो मेरी टेबल पे आए तो बंदा खुश होके वापिस मुड़े। बस आंटी कहती थी मैं उसको मान लू उसको मान लू मत, तो मेरे को मानती रहो। और ये फिर लास्ट में हम 2005 के लास्ट में हम गुरु से जुड़े और ऐसे जुड़े कि बस पूछो मत, ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग थी। हम कभी भी जब भी जाते हैं तो घर से चलते हैं, चलो गुरु जी हमारे साथ। तो एक बार हम जा रहे थे कहीं और जैसे ही हमने गाड़ी रिवर्स करके गैराज से निकाली और हम भूल गए चलो गुरु जी हमारे साथ, मैंने साइड मिरर में देखा तो बिल्कुल गुरु जी के चोले में, गुरु जी चोले में, लाल चोले में बिल्कुल साफ साइड मिरर में दिखाई दिए। अरे माँ गुरु जी क्षमा करना हमसे गलती, तो गुरु जी हमें रिमेम्बर भी कराते हैं कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं कभी कभी, तो हम हमेशा करते थे। उस दिन पता नहीं क्या बात हुई, हमने गुरु जी को कहा ही नहीं चलो गुरु जी हमारे साथ, और गाड़ी में बैठते ही गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी। ये सब गुरु जी की मेहरबानी होती है, गुरु जी की जो कृपा है सब पे होती है, कब होती है कितनी होती है ये सब गुरु जी के हाथ में छोड़, टाइम टाइम और समय का सबसे बड़ी चीज होती है। सिर्फ हमने गुरु जी से संबंध रखना चाहिए डायरेक्ट, अभी चलो ठीक है 1-to-1। 1-to-1 का मतलब है कि मान लिया मैं किसी को लेगा तो उसके बाद गुरु जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसके उसके बाद मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो फिर मैं आओगे तो मैं अहंकार आ जाता है। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि सब हम मिलके यही करना चाहिए कि जितनी संगत है उसको एक बार, गुरु जी भी कहते थे सिर्फ संगत को एक बार लाओ, किसी को दोबारा उसका विश्वास होगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, उसको ब्लेसिंग होंगी तो वो आएगा, नहीं तो वो अपने छोड़ देगा। पर गुरु जी एक बार जो चला गया गुरु जी के मंदिर में, गुरु जी कभी उसका हाथ छोड़ा नहीं आज तक, कभी कोई छूटा नहीं। चलो ये सब हुआ था, ये बाकी आंटी सुनाएंगी। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग तो बहुत है, मैं तो हाँ दिन रात करती रहूं सांगवान जी से, पता नहीं क्यों नहीं बोला जा रहा। इनके पास बहुत ज्यादा सत्संग बहुत है, सत्संग तो इतने हैं। एक बार हम चले गए बेटे की शादी होने के बाद, 2008 की बात है ये घूमने के लिए गए थे, वहां भी हम दर्शन करके बाहर आए थे, शिरडी की आरती मिली थी, सुनाया था ये वो ये के संगत जी हम वहां गए। मैं अपना सुनाती हूँ, वो ऑपरेशन का सुनाती हूँ फिर। ऑपरेशन का मेरा अंगूठी का ऑपरेशन हुआ था पहले, तो गुरु जी ने कैसे ब्लेस किया हमें, हमारे साल वो करवाते थे अपना वो चेकअप। मेरे अंगूठे का हुआ था ऑपरेशन एक बार मेडिकल चेकअप के लिए, तो इसमें वो दवाइयां खाई थी
ये तो ये भी सब सुना दिया था मैंने संगत को पहले। फिर संगत जी अब क्या सुनाऊं ना, ये सत्संग तो क्या सुनाऊं ना, ये तो सत्संग इतने हम दिन रात वैसे गुरु जी साथ साथ ही रहते हैं। अब याद नहीं आ रहे संगत जी कोई सत्संग नया, अब कुछ याद नहीं आ रहा। बेटे का सोचा था, हाँ ये दामाद, ये बेटा बेटी के घर है हम, ये बेटी बेटा ने ये सोचा था मेरे देवते ने कि मैं एरोनॉटिक इंजीनियरिंग करूंगा और किसी चीज में यहाँ मैं यूके में कुछ नहीं करूंगा। बेटी ने बोला तू डॉक्टर बन जा, ये बन जा। नहीं नहीं मैं नहीं बनूंगा कुछ भी मम्मी, मैं वही करूंगा। बेटी बहुत मानती है गुरु जी को, बस ये अच्छी कृपा है गुरु जी की कि तीनों बच्चों का हाथ पकड़ रखा है, दोनों बेटियों का, दामाद का, बेटे का, बहू का, तीनों बच्चों का पकड़ रखा हाथ गुरु जी ने। तो बेटी प्रे करती थी गुरु जी के सामने कि इसकी इच्छा पूरी हो जाए, और वो बेटा गुरु जी ने उसको जो चाहता था उसी में उसका एडमिशन दिला दिया उसको। वो यहाँ कर रहा, ब्रिस्टल में कर रहा आजकल, और अच्छे से पढ़ रहा है। ये सब गुरु जी की का आशीर्वाद है, बहुत बड़ा आशीर्वाद गुरु जी की, इतनी ब्लेसिंग है। और टूट चुके थे बिल्कुल संगत जी, बिल्कुल दुखों में जुड़े थे, बहुत दुख आए थे, बहुत कष्ट आए थे, लेकिन जब से अब इतना आसान कर दिया गुरु जी ने, देखो हम विचलित हो जाते हैं जब दुख पाते हैं जिंदगी में, हर बंदा विचलित हो जाता है, रो भी लेते हैं, लेकिन फिर हमें अपने आप, हम सोचते हैं हम पागल हैं, गुरु जी है ना हमारे साथ, हम गुरु जी हमारे साथ, हम क्यों परेशान हो रहे हैं, हम क्यों टेंशन ले रहे हैं। फिर एक दिलासा इतना बड़ा है, गुरु जी का नाम इतना बड़ा है कि बस जीना सिखाया गुरु जी ने, बहुत अच्छे से जीना सिखाया। एक तो इस कलयुग में ऐसा कोई वो नहीं है जहाँ देखो कहीं चढ़ावा चढ़ता हो, वो सारे मंदिरों में उनमें तो इनमें अंकल हमारे विश्वास नहीं करते थे, बोले सब वो बैठे हैं लुटेरे बैठे हैं, ये हैं वो हैं, कहीं नहीं। लेकिन अंकल मना भी नहीं करते थे, मैं बोलती थी चलो वैष्णो देवी चले हैं, तो चल पड़ते थे वैष्णो देवी जाते थे हम। 4 बार जाके वैष्णो माँ के आए दर पे, और पहले जब गुरु जी को नहीं मानते थे, वैष्णो माँ के दरबार में जाते थे, बेटा भी वहीं से मांगा था, दो तीन बेटियां हो चुकी थी, एक शुरू में गुजर गई थी, दो बेटियां हैं, तो ये बेटा मैंने वैष्णो माँ से ही मांगा था, तो तब माँ ने दिया था, तब हम जाते रहते थे। फिर तो एक बार लास्ट बार पता नहीं मेरे मुंह से क्या गुरु जी कहलवा रहे थे, जब हम चौथी बार वैष्णो देवी से उतर रहे थे, मैं और ये बेटी मेरी बड़ी, ये यूके वाली, सबसे पहले चढ़ते थे, सबसे पहले उतरते थे, पैदल ही जाते थे, पैदल ही आते थे। तो लास्ट बार हम जब उतरे नीचे, तो मेरे मुंह से क्या पता नहीं निकले, मैं बोली बस माँ अब हम थक चुके, अब मत बुलाना मेरे को। तो बस ऐसे बस गुरु जी मिलने थे शायद। अब चारों धाम संगत जी मेरे को तो यही नजर आते, मैं सोचती हूँ क्या पहाड़ों में घूमना, उधर जाना उधर जाना, सीनरी देखनी, सीनरी बहुत देख चुके और बहुत तीर्थ स्थानों के भी दर्शन कर लिए, पर अब तो चारों धाम अपने गुरु जी के यहाँ ऐसे नजर आते हैं, बस क्या बताएं। अब यहाँ भी बैठी हूँ मैं, यहाँ यूके में बेटी के पास, यहाँ साउथहैम्पटन में सत्संग नहीं है, लेकिन हम डेली सुबह उठ के हम 1.5-2 घंटा डेली सुबह भी सुनते हैं। और अब तो ये वासन अंकल ने इतना अच्छा ये दे दिया हमें प्लेटफॉर्म, ये डेली सुनते हैं हम सत्संग, ये दिन का भी और शाम को भी हम भजन लगा लेते हैं अपने जोत पूजा के टाइम। और ये सब इतनी अच्छी मेहर है गुरु जी की कि बस ऐसे हो गया, रोटी के बिना जिंदा रह सकते हैं पर गुरु जी के नाम के बिना जिंदा नहीं रह सकते। उठते ही मेरे को तो ये लगता है, लगाओ सांगवान अंकल टीवी ऑन किया, सांगवान अंकल उठते ही टीवी लगा देते हैं कमरे में, चलो गुरु जी के लगाओ, शब्द वाणी लगाओ, भजन लगाओ, उठते ही वहीं जाते हैं। तो ये गुरु जी की बहुत बड़ी मेहर है, बहुत बड़ी मेहर है। ये बेटी का घर भी ब्लेस किया बेटी ने, ये इधर यूके में पहले डुप्लेक्स घर था इसका, ये बोलती ऊपर नीचे चढ़ने में उतरने में, माँ प्रीति तेरे पापा के पैरों में दर्द है बेटा, बोलती मम्मी गुरु जी ने चाहा तो बड़ा घर बंगला ले लेंगे। तो अब की बार हम आए तो पीछे इनके बेटी के इलाज आए हुए थे सास ससुर, 6-7 महीने वो रुके गए, तो इनकी गुरु जी की कृपा से बंगला ब्लेस कर दिया गुरु जी ने, और ये बंगला में शिफ्ट हो गई, और यहाँ चारों तरफ अब आप देखते हो वैसे बस गुरु जी का ही घर नजर आता है। ये भी दामाद भी बहुत मानते हैं इनको, कोरोना हो गया था एक बार, यहाँ सेकंड उसमें रो में इनको हो गया था कोरोना, बेटी नर्स है, ये दोनों नर्स हैं, दोनों बेटी मेंटल हेल्थ में है, ये वैसे वैसे हैं। तो इसने बेटी ने बोला कि
प्रशांत आप ऐसा करो, मैं चेकअप करती हूँ आपका। उसने बेटी ने चेकअप किया तो इनका वो गिर गया, इनका सिस्टम था, वो देखा बेटी ने कि इनकी वो ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, तो बेटी ने फटाफट एम्बुलेंस मंगाई और इनको लेके चली गई। इनको बताया नहीं बेटी ने, और गुरुजी का बेटी मेरे को फोन करने लगी। मैंने कहा बेटा घबराना नहीं, पेरेंट्स तो हर बच्चे के साथ नहीं हो सकते, लेकिन हमारे है ना गुरुपा, वो सबके साथ हैं। आप मंत्र जाप कर लगाओ घर में, शब्द वाणी सुनो, मंत्र जाप लगाओ, बस गुरु जी का नाम लो। बेटी मंत्र जाप लगाती रही बस, और गुरु जी की कृपा से दामाद ठीक होके घर आ गई। ये उधर छोटे दामाद को हो गया, इधर इसको हो गया, हम रोहतक बैठे, और मेरे को इतनी टेंशन, दोनों दामाद को, दोनों को सेकंड रो में, और बहुत ज्यादा कोरोना हो गया दोनों। वो बेटियों को हल्का हुआ, बेटियों को भी था, पर वो देखो संभालने के लिए थी बेचारी, दोनों बच्चों को, इनको हस्बैंड को संभाल रही हैं। वो छोटी छोटे दामाद को भी, गुड़गांव वालों को भी हो गया। तो अब ये सांगवान अंकल थोड़े से वैसे, मैं थोड़ी, मैं भावुक तो मैं भी हूं, पर ये ज्यादा हो रहे हैं बुढ़ापे में। ये दे जल्दी, ये बेटियों को कुछ कष्ट होता है तो ये तुरंत सोचते मैं अभी भाग जाऊं बेटी के पास। तो ये कहने लगे, पूनम का बेटी का छोटी का फोन आया, पापा ऐसे ऐसे, वो नहीं बेटी ने, उसने बताया नहीं, वो छोटी बेटी बहुत स्ट्रोंग है, उसने बताया नहीं हमें। ये बड़ी बेटी के पास फोन करती है, बोले नरेश को ना कोरोना हो गया, और वो भी दिवाली वाले दिन बोल रही है, मेरी बेटी हम पूजा कर रहे, पूजा करके हटे तो बड़ी बेटी का फोन आता है, तुम क्या कर रहे हो, दिवाली मना रहे हो, पूजा कर रहे हो, महाप्रीति क्या हुआ। बोलती मम्मी नरेश को तो बहुत सीरियस है, ऐसे ऐसे हो गया उसको, वो कुछ खा नहीं रहा, पी नहीं रहा। पूनम उसको बोलती है ये खाओ वो पियो, जबरदस्ती गाढ़ा दे वो दे, बोलता नहीं मैं नहीं पीऊंगा, मुझे उल्टी हो जाएगी, कुछ नहीं। तो बोली वो तो हॉस्पिटल लेके फिर रही है बेटी। तो इसके पापा बोले, सांगवान जी बोले मैं अभी आ जाता हूँ। बेटा बोला पापा आप करोगे क्या, वहां सोसाइटी में घुसने नहीं देंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने बेटी को फोन किया, मैंने कहा पूनम तुम्हारे भी जानकार है, राणा जी हैं और हैं, उनको बोलो फ्रूट रूट ये सब हमारे, ये जो अनार मंगाओ, ये मंगाओ, जो इसको अच्छा लगे वो मंगाओ और गेट पे रख जाओ। और बोल दे मम्मी ऐसे तो वो भी रख देंगे हमारे, ये जो ये सिक्योरिटी गार्ड है ये सब रख देंगे उनको, वो प्रेसिडेंट है दामाद छोटा। अब फिर वो RW का, फिर आज उनका फोन आया था, गुरुजी ने ब्लेस कर रखा उनको भी बहुत। आज वो बोलता है मम्मी मैं प्रधान बन गया फिर, माँ चलो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, गुरुजी है ना तेरे साथ साथ। तो उनको ऐसे हुआ, बेटी दो तीन, देखो दो तीन जगह पेपर लेके गई, आर्टिमिस उधर आर्टिमिस में गई, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं, वेंटिलेटर की जरूरत होगी तब लेके आना। अरे बेटी वहां से फिर उधर गई, फोर्टिज में गई, वहां उन्होंने भी मना कर दिया, हम एडमिट नहीं करेंगे। तो बेटी कितनी स्ट्रांग, अकेली वो घूम रही है। और उनके ऑफिस के कुलीग में फिर पूनम ने फोन किया ऐसे ऐसे अपने कुलीग को, बोले तुम यहाँ ले आओ, उधर पुराने गुड़गांव में 10 सेक्टर में कौन सा हॉस्पिटल था, ऐसे कोई हॉस्पिटल था, बोले तुम यहाँ ले आओ, यहाँ जान पहचान है डॉक्टर की। तो उधर उनको एडमिट कराया नरेश जी को, और बस वो 10-12 दिन एडमिट रहे जब तक, और खाने पीने लगे उनको वो लगी। तो गुरुजी देखो, गुरुजी ने इतना ब्लेस कर रखा है बच्चों को, इतना ब्लेस कर रखा है, गुरुजी हमेशा संग संग हैं। एक बार खेलती खेलती बेटी, बेटी का ये बेटा, छोटी बेटी का बेटा, अब तो वो भी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया उसने, वो कर रहा है कंप्यूटर साइंस से, तो उसने अभी 12th की है, वो भी ब्लेस है। वैसे पूरी गुरुजी ने पूरी फैमिली ब्लेस कर रखी है, इतनी मेहर कर रखी है। वो छोटा सा था, खेलता खेलता घुटनों के बल खेलता खेलता, तो लैपटॉप पे दामाद जी काम कर रहे थे बैठे बैठे, नरेश जी। ओ वहां तो जाके अक्की ने उसको, अक्षित नाम, अक्की ने जाके उसको ऐसे हाथ मार दिया लैपटॉप पे घुटनों के बल, 7-8 महीने का था, जाता जाता। और नरेश जी बोलते हैं देखो पापा मेरे स्क्रीन पे ओम बन के आ गया, ओम रंगीन ओम बन के आ गया, कहीं भी नहीं, इसमें कहीं नहीं है लोड नहीं कुछ नहीं। तो गुरुजी ने इतने करिश्मे दिखा रखे हैं, संगत जी बहुत ब्लेस कर रखा, पूरा परिवार ब्लेस कर रखा है, इतनी मेहर है गुरुजी की, बहुत ज्यादा मेहर है। दामाद जी ने नौकरी छोड़ दिया, वो घर बैठे काम करते, अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो बेटी नौकरी
करती है, ये सब गुरु जी की मेहर है। वो भी अपने फ्लैट में बैठे हैं, ये बेटी भी गुरु जी की दया से अपने घर में बैठी है, सब गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है बच्चों के साथ। संगत जी अब मैं आज्ञा चाहती हूँ, कोई गलती हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी। संगत जी वासना अंकल, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही डिवाइन संगत शेयरिंग आज इस सेशन में गुरु जी महाराज की संगतों ने की है। अशोक डबास अंकल, सांगवान अंकल, राजवाला सांगवान आंटी जी, आप तीनों ने बहुत ही ब्लिसफुल डिवाइन तरीके से संगत शेयरिंग की है। गुरु परिवार की तरफ से, महाराज की तरफ से आपको आशीर्वाद। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ ही संगत जी, अब हम महाराज से आज्ञा लेंगे।